The alternate form of the derivative of the function f at a number a, denoted f dash a, is given by f dash a equals to limit x approaching a fx minus fa upon x minus a. तो यहाँ पर हमें f dash a का formula दिया हुआ है limit use करके. और अगर ये formula तुम्हें नया लग रहा है तो मैं इसको समझाने के लिए अगर मैं एक x और y axis बनाऊँ, ये मेरा x axis है, ये मेरा y axis है, और मेरा कोई भी एक function है fx, मान लेते हैं वो कुछ इस तरह से, ये मेरा function है fx, और अगर मुझे f dash a निकालना है, यानी कि derivative निकालना है किसी a point पे, मान लेते हैं मेरा a point ये है, इस point पे मुझे derivative निकालना है, और derivative हमारा इस point पे tangent की slope होता है, यानी कि अगर मुझे इस point पे tangent की slope निकालनी है, तो यहाँ पर उसका एक formula दिया हुआ है जिसमें हमने limit use की हुई है. यहाँ पर a पे मेरा output आ जाएगा f of a, तो अगर मैं इस formula में देखूँ, तो मुझे a और f of a तो दिख रहे हैं, और साथ में यहाँ पर x और f of x भी दिख रहे हैं, यानी कि कोई एक दूसरा point यहाँ पर लिया हुआ है, कोई एक दूसरा point यहाँ पर लिया हुआ है x, जिसमें मेरा output आ जाएगा f of x, ये output आ जाएगा f of x, और अब अगर मैं इस formula को देखूँ, तो यहाँ पर numerator में लिखा हुआ है fx minus fa, यानी कि a और x पे जो output आ रहे हैं, इनका difference, तो अगर मैं इस graph पे fx minus fa देखूँ, तो वो कहीं यहाँ पर होगा, ये जो length होगी, ये होगी मेरी fx minus fa, यानी कि इसे मैं delta y बोल देता हूँ, यह चेंज इन y कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट्स का. वैसे ही नीचे लिखा हुआ है x माइनस a, वो इस ग्राफ में ये वाली लेंथ होगी, यहाँ पर है x और यह है a, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा x माइनस a, इसको मैं डेल्टा x बोल देता हूँ. और जैसे मैं इसको डेल्टा y और डेल्टा x बोलता हूँ, मुझे दिखता है यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है डेल्टा y बाय डेल्टा x की. अब डेल्टा y बाय डेल्टा x मेरा स्लोप की वैल्यू होती है. अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करता हूँ, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की स्लोप होती है मेरी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. तो ये तो हो गई मेरी स्लोप, लेकिन यहाँ पर इस लिमिट का क्या काम है? अगर हम देखें तो लिमिट के नीचे लिखा हुआ है एक्स अप्रोचिंग ए, यानी कि ये जो एक्स पॉइंट है ये इस ए के पास आता जा रहा है, और ये जितना पास आएगा ए के, उतनी ही मेरी सीकेंड वाली लाइन, ये जो मेरी लाइन है, ये ऐसे बनती जाएगी, ये ए पॉइंट से यहाँ पर आ जाएगी, अगर एक्स पॉइंट मेरा और पास आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे ही x मेरा बहुत पास आ चुका होगा a के, ये सीकेंट वाली लाइन मेरी इस a पे टेंजेंट जैसे दिखने लगेगी. तो मैं बोल सकता हूँ कि जब लिमिट x अप्रोचिंग a होगी, तो मेरी सीकेंट की स्लोप अप्रोच कर रही होगी मेरी इस टेंजेंट की स्लोप को, और वही मेरा f डैश a है. तो यानी कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, ये जो पॉइंट है मेरा ये है a कॉमा fa, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एट ए कॉमा एफ ऑफ ए, इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू लिखी हुई है. इसी चीज़ को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं. तो अब जब हमें ये समझ में आ गया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. तो ये कह रहा है कि विद द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव एज एन एड, ये जो हमें फॉर्म दी हुई है डेरिवेटिव की, इसको ये ऑल्टरनेट फॉर्म बुला रहा है. तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म को यूज़ करके मेक सेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट एक्सप्रेशन बाय आइडेंटिफाइंग द फंक्शन एफ एंड द नंबर ए. तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यह है f डैश 5 बराबर लिमिट x अप्रोचिंग 5, और यहाँ पर यह चीज़ लिखी हुई है x क्यूब माइनस 125 अपॉन x माइनस 5. तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार इस चीज़ को देखो और पता लगाओ कि हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो ये फंक्शन एफ एक्स है क्या, और दूसरी चीज़ ये कि इस डेफिनेशन में जो मैं a की बात कर रहा हूँ वो इस केस में किस नंबर के बराबर होगा. तो अगर मैं ये दोनों डेफिनेशन कंपेयर करूं, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि एफ एक्स माइनस एफ ए की जगह यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 125. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एफ एक्स की जगह इन्होंने एक्स क्यूब लिखा हुआ है. इसको देख के तो मुझे लग रहा है कि हमारा फंक्शन एक्स क्यूब के बराबर है. अब अगर मैं लिमिट देखूँ, तो यहाँ पर है लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए, और यहाँ पर है लिमिट एक्स अप्रोचिंग 5. एफ डैश ए की जगह हम एफ डैश 5 निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इस पूरी डेफिनेशन में जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 5 रखा हुआ है, और इसे चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर f ऑफ a की जगह 125 रखा हुआ है. तो अगर मेरा शक सही है कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो f ऑफ a यानी कि f ऑफ 5 ये 5 क्यूब होना चाहिए, और ये है 125, तो यानी कि ये सही लिखा हुआ है. तो इस चीज़ को देख के मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है, जिस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ,
वो होना चाहिए x क्यूब, और जिस नंबर पे मैं डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहाँ पर मुझे साफ साफ 5 होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये जो a है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 5, और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं इसका हल्का सा एक ग्राफ बनाऊँ, मान लेते हैं ये मेरा x एक्सिस है, ये है मेरा y एक्सिस, और ये जो मेरा ग्राफ है fx बराबर x क्यूब, ये कुछ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर जो x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू जो मेरी 5 है, 5 पे मेरा जो आउटपुट है वो 125 है। अब ये मैंने स्केल से नहीं बनाया है, तो ये 5 यहाँ पर आ रहा है और ये 125 यहाँ पर आ रहा है। अभी बस हमें देखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो इस 5,125 पे ये जो पॉइंट है 5,125 पे, इस पर जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप निकालने की बात हो रही है। इसकी टेंजेंट की स्लोप होगी f'5। तो यानी कि ये जो चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये बराबर है f'5, ये बराबर है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, इस फंक्शन के हिसाब से ये हो जाएगा 5,125।